नमस्कार साथी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कल मैंने स्ट्रेटजी बताया था MTS के लिए, आज मैं जो है बताने वाला हूँ कि क्या क्या जो है सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना और कैसे कवर करना है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया और इंग्लिश हो गया, पूरी में बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका जो है ये आपका मैथ का जो है टॉपिक लिखा हुआ है, मैथ आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग से मात्र जो है 12 क्वेश्चन सही करने हैं बंधु, मात्र 12 क्वेश्चन सही करने हैं। 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ से आएंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, उसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चन में जो है 12 क्वेश्चन सही करने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, इस टॉपिक को आप कवर कर लेंगे तो आपका जो है काम बन जाने वाला है। देखिए, पहले मैथ चलते हैं, उसके बाद रीजनिंग चलेंगे और इंग्लिश चलेंगे, उसके बाद जो है GK, GS और GA चलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है बारी बारी से देखते हैं। और साथ साथ ये भी देखेंगे कवर करेंगे कैसे जो है ना, कवर कैसे करेंगे 75 डेज में, कैसे आप जो है इन सारी चीज़ों को जो है ख़त्म करने के साथ साथ आप टेस्ट पर भी जो है टेस्ट पर अपने हाथ को रखेंगे और जो है अपने आप को कंप्लीट मानेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, देखिए मैथ का टॉपिक लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज से जो है हर एक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन जो है बने हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रपोजिस क्वेश्चन बने हुए हैं, एवरेज से क्वेश्चन बनेगा आपका जो है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया। ये ऐसे टॉपिक हैं कि आपके जो है जितने भी MTS के एग्जाम हुए हैं ना, सभी शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक हर जो है शिफ्ट में आपका जो है पूछा गया है। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब करना कैसे है कंप्लीट, तो पहले परसेंटेज पूरी तरीके से जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। परसेंटेज पूरी तरीके से आपको जो है जितने आपके टाइप बनेंगे ना इसके ना, सभी टाइप को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो है, उसके बाद अगर ऑनलाइन कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर आप टेस्ट लिए हुए सीरीज तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो अगर आप ऑफलाइन भी आप अगर आपके पास बुक होगा, चाहे किरण का या कोई भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक होगा, तो आप जो है उससे जो है रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है इस जो है चैप्टर से मार लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस वैसा ही करना है, रेशियो प्रोपोर्शन वैसा ही करना है, एवरेज भी वैसा ही करना है और सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से करना है और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी उस तरह से करना है और टाइम एंड वर्क भी उसी तरीके से आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। मतलब कि है ना, चैप्टर कर लिए उसके बाद टेस्ट मार लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, यहाँ जो है ऑफलाइन भी मार सकते हैं, ऑनलाइन भी मार सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा है वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको जो है, ये आपको मैंने बताया था 75 डेज में ना, 75 डेज में जो है आपको जो है 45 डेज में आपको कंप्लीट कर लेना है, 45 डेज में आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। बाकी के जो 30 दिन होंगे ना, उस पूरे 30 दिन को जो अपने आप को जो है ऑनलाइन में मूव कर लीजिएगा, ऑनलाइन में मूव कर लीजिएगा, तब जा कर के आपका काम बनने वाला है। ये तो था किसका, ये मैथ का था। रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, सीरीज हो गया, सीरीज में लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, उससे क्वेश्चन बने हुए हैं, 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये है ना, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद जो है पजल हो गया, ये आपके बने हुए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा चीज़ों को, है ना। मिसिंग जो है लेटर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। कैलेंडर से क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा, उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और मिरर इमेज से जो है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो है कितने क्वेश्चन होंगे, ये तो आप सबों को पता है कि ये 20 क्वेश्चन आएगा, ये 20 क्वेश्चन आएगा और ये भी आपका 20 क्वेश्चन आएगा। पर करना कितना है दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर मात्र जो है 12 क्वेश्चन सही करने हैं। कितना क्वेश्चन सही करना है, तो 12 क्वेश्चन सही करना है, इसको मिलाकर, इसको दोनों को मिला करके, मैथ को रीजनिंग मिलाकर 12 क्वेश्चन सही करना है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी शिफ्ट में जो है एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि ये सभी जो है टॉपिक जो है आपके पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका ये 12 क्वेश्चन जो है, 12 क्या 15-20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। कोडिंग डिकोडिंग सर्च मारेंगे आपको जो है मिल जाएगा वीडियो, कंप्लीट कर लेंगे उसको जो है। और उसके बाद जो भी आपके पास बुक होगा ऑनलाइन सोर्स का, अगर ले लिए हैं कहीं से टेस्ट लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए हैं तो कोई बुक होगा ना आपके पास, उसी जो है उसी का चैप्टर निकालेंगे। चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 50 को 70 को 100 को 200 को मार लेंगे टोटल, आपका जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
सीरीज में वैसा ही करना है, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज कंप्लीट कर लेना है, मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर लेना है, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लेना है, मिसिंग लेटर है और मिसिंग नंबर कंप्लीट कर लेना है, कैलेंडर हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया और मिरर इमेज जो है इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। मतलब कि पहले जो है आपको चैप्टर कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है आपको टेस्ट पर जो आ जाना है ना, टेस्ट पर आ जाना है, टेस्ट मस्ट है आपका। टेस्ट जो है चैप्टर कंप्लीट कीजिए, टेस्ट चैप्टर कंप्लीट कीजिए, टेस्ट आपका हो जाना है। ये मैथ और रीजनिंग इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग जो इंग्लिश पर, जो बहुतों को दिक्कत होता है। इसमें क्या है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, अरे यही इंग्लिश और जीए तो आपकी मेरिट बनाएगी, यही तो आपका मेरिट बनाएगा। ये 25 क्वेश्चन होगा और जो है ये भी आपका 25 क्वेश्चन होगा, ये 25 क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिनोनिम्स करना है और एंटोनिम्स करना है। 20-20 वर्ड जो है आपको पर डे जो है 45 दिन तक ले याद करना है। कितना हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। तो सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स उसी में कवर हो जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा, दो दो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। स्पेलिंग एरर पूछा जाएगा, स्पेलिंग पर काम करना है आप लोगों को, है ना। स्पेलिंग जो है स्पेलिंग पर भी काम करना है। और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है लर्न जब कीजिएगा, वर्ड जब कीजिएगा, इसके साथ जो है वन वर्ड भी आपको देख लेना है, वन वर्ड भी आपको याद कर लेना है, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी याद कर लेना है आप लोगों को, है ना। उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स आता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपका जो है ये ग्रामर बेस्ड है, ग्रामर कंप्लीट कर लेना होगा आप लोगों को, है ना। ग्रामर कंप्लीट करना हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, ये सब कंप्लीट करना है, ये सब कंप्लीट करना है, तब जा करके आपका जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ग्रामेटिकल जो एरर आता है ना तब पकड़ में आएगा, नहीं तो नहीं पकड़ में आएगा आपको। जो नाउन खत्म, जैसे नाउन आ गया, चैप्टर आ गया, नाउन चैप्टर जो कंप्लीट किया हम लोग, है ना। नाउन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो है कहीं से जो है अगर आपके पास कोई भी आपके पास है ना कोई भी बुक है आपके पास ना, तो उस बुक से जो है 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बना लेंगे। और उसके बाद अगर अगर ऑनलाइन का सुविधा है आपके पास, अगर किसी प्रकार का आप लिए हुए हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि नाउन चैप्टर टेस्ट किए, प्रोनाउन चैप्टर टेस्ट किए, वर्ब चैप्टर टेस्ट किए, इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है, तब जाके फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया और सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ये सभी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर से कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्रामर का पार्ट है, ये आपका वोकैब का पार्ट है, ये दिख रहा है ना, ये वोकैब का पार्ट है, ये आपका ग्रामर का पार्ट है ना, ये ग्रामर कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा ये भी। और ये क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट जो क्या करना है आप लोगों को, पैसेज है, ये पैसेज क्या करना है, पैसेज पढ़ने का हैबिट बनाना है आप लोगों को। छोटा छोटा पहले पैसेज पढ़िएगा, है ना, समझिएगा चीज़ों को, समझ समझ के जो है उसके बाद जो है आप लोगों को उसी में फिल इन द ब्लैंक। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक जो है पैरा दिया हुआ होता है, उसी में जो है कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स जो है फाइव जो है डाल दिया जाता है, फाइव फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसी में जो है एक जो है पैसेज में डाल दिया जाएगा, छोटा सा पैसेज होगा उसमें जो है डाल दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसके लिए, तो इंग्लिश के लिए। यहाँ से आपके जो है 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, इसी में से आपके 25 क्वेश्चन जो है उठा कर डाले जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी मेरिट जो है बनाएगी। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीए, ज़्यादातर बच्चे जो है यहीं पर जो है फंसते हैं, क्योंकि ये जो है देखने में जो है लिखा हुआ है, सिर्फ जीए लिखा हुआ है, पर इसमें आ जाता है बहुत कुछ आ जाता है। अब देखिए जीके आ गया, जीके में आपके आ गया, जीके में कौन सा हो जाएगा, जीके में हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, है ना, ये सभी जो है आपको जो है कवर करना है। और ये कवर कहाँ से करना है बंधु, ये जो कवर करना है, और एक होता है जीएस मतलब कि जनरल साइंस, इसमें आपका जो है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये कवर करना है। कवर कहाँ से करना है, चाहे आप इंग्लिश के लिए हो, है ना, चाहे आपका लैंग्वेज इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, सभी के लिए जो है ये लूसेंट जो है रामबाण हो गया, है ना, सभी के लिए लूसेंट जो है रामबाण है। ये लूसेंट जो भी आपके पास है ना उसको कवर कर लेंगे, मतलब कि लूसेंट से जो है, लूसेंट से कोई एक टॉपिक जो है कंप्लीट किए हिस्ट्री का, लूसेंट से जो है कोई एक टॉपिक जो है कवर किए, है ना, किससे, लूसेंट से किए, कोई टॉपिक जो हिस्ट्री का किए, जियोग्राफी का किए, पॉलिटी का किए, इको का किए, है ना, फिजिक्स का किए, है ना, उसके बाद केमिस्ट्री का किए, बायोलॉजी का किए। अब उसके बाद जो है उसका जो है आपको टेस्ट मारना है, है ना, उसके बाद जो है आपको जो है एक टेस्ट मारना है। अब टेस्ट कहाँ से मारना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अब जाइएगा कहाँ पर जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अगर आप इंग्लिश से हैं, है ना, तो इंग्लिश के लिए डाउनलोड कर लेंगे, अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी के लिए डाउनलोड आप कर लेंगे। क्या ये लूसेंट जो है, ये लूसेंट जो है जीके, लूसेंट जीके करके जो है, लूसेंट जीके करके, लूसेंट जीके करके जो है एक जो है आपको जो है
ऐप मिलेगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, लूसेंट जीके। आप वहाँ प्ले स्टोर पर डालिएगा तो लूसेंट जीके करके जो है आपका वहाँ पर लूसेंट जीके करके जो है लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद बाबू वहाँ सब कुछ दिया हुआ है, जीके के लिए जो है आपके क्वेश्चन बनाए हुए हैं, टोटली लूसेंट पर आधारित है, टोटली लूसेंट पर, क्योंकि लूसेंट आप डालेंगे ना तो लूसेंट का ही खुलेगा। जीएस के लिए जो है आपके क्वेश्चन बनाकर दिए हुए हैं, है ना, वहाँ आपका जो है करंट अफेयर्स का भी दिया हुआ है, है ना। तो चीज़ें वहाँ से पढ़िए, बुक आपके पास होगा लूसेंट का, उस लूसेंट से टॉपिक पढ़िए, और वहाँ क्वेश्चन में फ्रेमिंग किया हुआ है, क्वेश्चन वहाँ से मार लीजिए। मतलब कि एक टॉपिक पढ़िए और 50 क्वेश्चन मार लीजिए, हो गया काम। लूसेंट से जो है टॉपिक पढ़ लीजिए, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटिक हो गया, इको का हो गया, है ना, उसके बाद जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, कुछ भी टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, वो ऐप को खोलना है, वो आपका पूरी तरह से जो ऑफलाइन है ना, डाउनलोड करने के बाद जो है आप लोगों को पूरा खुल जाएगा। और आप देखेंगे कि जीके का जो जितने भी टॉपिक है ना, टॉपिक के किसी के 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी के 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी के 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी के 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। और इस चैनल पर आपको तो मिल ही रहा है, इस चैनल पर आपको जो है जीके के लिए करवाया जा रहा है, उसको भी आप देख करके अपना रिवीजन आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जीके और जीएस समझ में आ गया है ना, और ये जनरल है, ये क्या है करंट अफेयर्स, जीके क्या है करंट अफेयर्स डेली आपको जो है लेना स्टार्ट कर देना होगा। डेली जो है करंट अफेयर्स 10 मिनट का, 12 मिनट का, जहाँ भी जो भी करवाया जाता है ना, वहाँ से आपको जो 10 मिनट का, ज़्यादा समय नहीं देना है यहाँ पर करंट अफेयर्स में, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं समय देना है, डेली दीजिएगा तो अप टू डेट रहिएगा आप, है ना, क्या हो रहा है ना, कहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें आपको जो है मालूम होगा, दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर इसका जो है सेट कहाँ से मारे, टेस्ट कहाँ से मारे, बस वही काम करना है, लूसेंट वाला जो डाउनलोड किए हैं ना, उसी में आपको जो है जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, सब आपको मिल जाएगा, है ना, सब कुछ आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। चीज़ों खोलिएगा चीज़ों को और टेस्ट मारना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहले कवर कीजिएगा तब ना, पहले कवर कीजिएगा मंथ का तब ना, एक मंथ का जैसे अगस्त का जैसे कंप्लीट कर लिए, अब अगस्त का सेट चाहिए, टेस्ट चाहिए हम लोग को, तो वहाँ जाइएगा और आपको मिल जाएगा, अगस्त का, सितंबर का मिल जाएगा, अक्टूबर का मिल जाएगा, इसी तरीके से आपको जो है चलना है। 45 दिन तक चलता है, कितने दिनों तक, 45 दिन तक चलना है, और उसके बाद जो है 30 दिन जो बचेगा वो पूरी तरीके से आप किस पर आ जाइएगा, टेस्ट पर आ जाइएगा, मतलब कि जो सेक्शनल टेस्ट है उस पर आ जाइएगा, और जो मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट, उस पर आ जाइएगा, अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका देखिए स्टैटिक जो है कौन कौन सा टॉपिक है, सब वहाँ पर सेट बनाया हुआ है, ये आपको सब कवर कहाँ से करना है, ये सभी कवर जो है आपको जो है लूसेंट से ही करना है। एकमात्र बुक है आपका लूसेंट, इस बुक को जो है चाहे आप इंग्लिश के लिए हो, चाहे आप हिंदी के लिए हो, इस बुक को खरीद लीजिएगा और टॉपिक कंप्लीट करते चले जाइएगा। देखिए स्टैटिक टॉपिक क्या है, तो स्टैटिक टॉपिक क्या, आर्ट एंड कल्चर है आपका, बुक्स एंड ऑथर्स है, इम्पोर्टेंट डेज है, इम्पोर्टेंट टेंपल है, सेंसस है 2011 का, 5 ईयर जो प्लानिंग है, और उसके बाद स्पोर्ट्स है, डांस फॉर्म्स है, घराना है, उसके बाद देखिए आर्टिस्ट है ये 10 नंबर में, फेस्टिवल्स है, नेशनल पार्क है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट स्टैटिक का टॉपिक है, ये सभी आपको लूसेंट में मिलेंगे। बारी बारी से कंप्लीट करके और सेट मार दीजिए, काम बन जाएगा। ये 45 दिन तक कीजिएगा और 30 दिन सिर्फ टेस्ट मारिएगा, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट मारिएगा और जो है फुल मॉक टेस्ट मारिएगा, काम बन जाएगा। इतना चीज़ें जो है आप कर लीजिएगा, आपको समस्या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है SSC MTS मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो है समस्याएं आपकी ख़त्म हो गई होगी। अगर किसी प्रकार की और भी समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।